पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन अब उनकी सरकार का जाना तय माना जा रहा है। तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। ये फ्लोर टेस्ट मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार शाम 5 बजे तक कराया जाएगा, जबकि कमलनाथ फ्लोर टेस्ट के लिए 2 हफ्तों का समय मांग रहे थे। उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि बीजेपी ने कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक बनाकर रखी है, पहले उन्हें भोपाल आने दिया जाए फिर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत ने कमलनाथ की एक नहीं सुनी और फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाएगा, विधानसभा सत्र का एकमात्र एजेंडा फ्लोर टेस्ट करवाना होगा, सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह आदेश का उल्लंघन ना हो। उधर कांग्रेस को सरकार गिरने का एहसास हो गया है और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। तो वही बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको न्याय की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार को जनता की आहें लग गई है। इसके अलावा ट्वीट करके पूर्व सीएम ने लिखा, सत्यमेव जयते। ऐसे में साफ लग रहा है कि शुक्रवार शाम 5 बजे कमलनाथ की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 104 का है और कमलनाथ के पास सिर्फ 92 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।